हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नियोनेटल इंसेंटिव इंटेंसिव केयर यूनिट एनआईसीयू। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, एनआईसीयू क्या होता है। एनआईसीयू इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड यूनिट वेयर क्रिटिकल इल नियोनेट केयर टू रिड्यूस द नियोनेटल मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ठीक है, तो एनआईसीयू एक वेरी स्पेशलिटी यूनिट होती है जिसके अंदर क्रिटिकली इल नियोनेट जो होता है उसकी केयर होती है, जिससे कि नियोनेटल मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को रिड्यूस किया जा सके। द एडमिशन ऑफ नियोनेट स्पेशल केयर यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट हैज सम कैन इफ चाइल्ड इज नियोनेट इन द क्रिटिकल कंडीशन द नियोनेट नीड द केयर ऑफ इंटर यूनिट मोस्टली फ्रॉम द लेबर वार्ड ऑपरेशन थिएटर एंड हॉस्पिटल और एनी अदर रेफरल दे विल बी सेंड टू इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन एनआईसीयू। तो एनआईसीयू में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है। इंडिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एज फॉलो। तो किन किन कंडीशन में जो एडमिशन है नियोनेट का वो एनआईसीयू में किया जाता है। तो लो बर्थ वेट बेबीज में जिनका वजन 200,000 ग्राम से कम हो, लार्ज बेबी, ठीक है, मोर देन या फिर इक्वल 4 kg जिनका वेट हो, बर्थ एस्फिक्सिया की कंडीशन हो, जिनका अपगार स्कोर लेस देन या इक्वल 6 हो, या मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो इफ सिम्टोमेटिक थिक मिकोनियम सीन इन लैब, और सीवियर जॉन्डिस इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, नियोनेटल सेप्सिस में या मेनिनजाइटिस, नियोनेटल कन्वल्जन, सीवियर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ओटोथेरेपी, पेरेंटल न्यूट्रिशन, इमीडिएट आफ्टर सर्जरी या कार्डियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन, कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग इफ हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट आर अनेबल, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पीआरओ या फिर फाउल स्मेलिंग लिक्वर। ठीक है, पीआरओ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो इन इन कंडीशन में अगर वो न्यूनेट है तो उस न्यूनेट को एनआईसीयू में एडमिट किया जाता है। और भी हैं, मदर ऑफ हेपेटाइटिस बी कैरियर हो, इंजर्ड न्यूनेट हो या फिर इंटेंसिव केयर नीड हाईली ट्रेंड पर्सनल इंक्लूडिंग द इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट द नर्स एंड टेक्निक। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट फॉर द मॉनिटरिंग इफ वाइटल फंक्शन एंड द अवेलेबल ऑफ कंटिन्यूस लेबोरेटरी सपोर्ट आर इन इंटेंसिव केयर यूनिट। अब देखते हैं गोल ऑफ एनआईसीयू या एम ऑफ एनआईसीयू। तो गोल क्या है एनआईसीयू का, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल इल न्यूनेट कीपिंग इन माइंड द सर्वाइवल ऑफ न्यूनेट सो एज टू रिड्यूस न्यूनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ठीक है, सेकेंड है टू प्रोवाइड कंटिन्यू इंटेंसिव ट्रेनिंग टू मेडिसिन एंड नर्सिंग पर्सोनल इन द केयर ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, मेडिकल और नर्सिंग पर्सोनल को इन सर्विस ट्रेनिंग देना टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ द पल्मोनरी और कार्डियोवास्कुलर रीनल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पल्मोनरी कार्डियोवास्कुलर रीनल या नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को मेंटेन रखना, टू मॉनिटर द हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर एंड ब्लड बाय नॉन इन्वेसिव टेक्निक। ठीक है, टू मेजर बाय ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड इज बाय ऑक्सीजन एनालाइजर, टू चेक या ऑब्जर्व अलार्म सिस्टम सिग्नल, टू फाइंड आउट द चेंजेस बियॉन्ड सर्टेन फिक्स लिमिट सेट ऑन मोनिटर, टू एडमिनिस्टर प्रीसियस अमाउंट ऑफ फ्लूड एंड माइन्यूट क्वान्टिटीज ऑफ ड्रग्स थ्रू आईवी इन्फ्यूजन पम्प। ठीक है, उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ एनआईसीयू, एनआईसीयू कैसे प्रिपेयर किया जाता है। वॉर्म इंक्यूबेटर होना चाहिए वहाँ, जिसका टेम्परेचर 33 to 36 डिग्री सेल्सियस होता है, एडिक्वेट लाइट सोर्सेज
होनी चाहिए और या रिससिटेशन एंड ट्रीटमेंट ट्रॉली स्ट्रोक होना चाहिए, हिस्ट्री, कंटिन्यूस सीट ट्रीटमेंट एंड डाइट सीट, ठीक है, प्रॉब्लम लिस्ट एंड फ्लो चार्ट्स, ठीक है, और ऑक्सीजन एयर सक्शन अपैरेटस होना चाहिए, ऑक्सीजन लाइन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एंड एयर फ्लो मीटर होना चाहिए, सक्शन कंप्लीट सक्शन यूनिट ट्यूबिंग एंड वेरियस साइज ऑफ सक्शन होना चाहिए, सक्शन कैथेटर होना चाहिए और वेंटिलेशन बैग एंड मास्क ऑफ एप्रोप्रिएट साइजेस के होने चाहिए, वाइटल साइन मॉनिटरिंग, ठीक है, स्पेसिफिक इक्विपमेंट एज इंडिकेटेड बाय डायग्नोसिस, ठीक है। उसके बाद में एडमिशन प्रोसीजर्स इन NICU, एडमिशन प्रोसीजर क्या है NICU का, तो जो सभी बेबी जो एडमिट होते हैं NICU में तो उनके लिए कुछ डाटा को फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर केयरफुली रेस्क्यू किया जा सके। तो सबसे पहले हिस्ट्री और एग्जामिनेशन किया जाता है, मैटरनल हिस्ट्री ली जाती है, पैटर्नल हिस्ट्री ली जाती है, प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री ली जाती है, डिटेल ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी ली जाती है, लेबर, डिलीवरी या अपगार स्कोर देखा जाता है। उसके बाद में ऑन एडमिशन किया जाता है, क्या किया जाता है, नोटिफाई द डॉक्टर एंड द नर्स इन इंचार्ज, ठीक है, इंचार्ज नर्स को और डॉक्टर को नोटिफाई किया जाता है। उसके बाद रिससिटेशन इन्फेंट एज नेसेसरी एंड मेंटेन वार्मथ, ठीक है। उसके बाद में चेक इन्फेंट आइडेंटिफिकेशन लेवल, ठीक है, इन्फेंट का आइडेंटिफिकेशन लेवल चेक करना है। उसके बाद में क्विकली एग्जामिन द इन्फेंट फ्रॉम हेड टू टो फॉर ऑब्वियस एबनॉर्मलिटीज कंडीशन परमिट्स, ठीक है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है उसके लिए इन्फेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जाता है, रिकॉर्ड वेट लेंथ एंड हेड सर्कमफेरेंस एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद में ट्रांसफर टू वार्म इक्विपमेंट एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद में कॉमनेस्ट ऑब्जर्वेशन आर, तो टेम्परेचर देखा जाता है इन्फेंट का, तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है इन्फेंट का वो 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इन्वायरमेंट सी नेचुरल थर्मल इन्वायरमेंट चार्ट, ठीक है। उसके बाद में हार्ट रेट देखी जाती है, रेस्पिरेटरी कलर एक्टिविटी देखी जाती है, एक्सप्लेन टू पेरेंट्स एंड हैंड ओवर फ्रॉम ट्रांसफरिंग यूनिट स्टाफ, ठीक है। उसके बाद में रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग में क्या देखा जाता है, बर्थ हिस्ट्री देखी जाती है जो कि लेबर वार्ड में बनती है, और हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या होता है, वार्ड हिस्ट्री कंटेंस अपगार स्कोर, एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट शीट, नियोनेटल वेट एंड फीड सीट एंड प्रोग्रेस चार्ट, ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री ली जाती है, और कंप्लीट हिस्ट्री कंटेन पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा जाता है, प्रोग्रेस शीट, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ चार्ट देखा जाता है, और ऑटो फ्लो शीट, फ्लूड बैलेंस शीट, ये सब देखा जाता है। उसके बाद में है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन विच रिक्वायर NICU, द फॉलोइंग आर द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन नियोनेट, तो नियोनेट में ये कंडीशन जो होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जैसे कि एपनिया, बेबी विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या बर्थ आस्फिक्सिया, या कन्वल्जन्स, या लो बर्थ वेट बेबीज जिनका वेट 1500 ग्राम से कम हो, तो ये सब जो होता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है बेबी के लिए, और नियोनेटल जॉन्डिस हो सकता है, रिक्वायर एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसमें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर होता है, ठीक है, सेप्सिस और मेनिनजाइटिस भी हो सकता है। उसके बाद में हाउ टू मेक राउंड विद द कंसल्टेंट इन NICU, तो NICU में कंसल्टेंट के साथ में राउंड कैसे लिया जाता है, नर्स शुड हैव फॉलोइंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट वाइल रिकॉर्ड विद राउंड कंसल्टेंट, तो नर्स को सभी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट तैयार कर लेनी चाहिए जब डॉक्टर का राउंड होने वाला है, कंसल्टेंट का राउंड होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएट असाइंड पेशेंट, ठीक है, ईच डे, हर दिन जो बेबी है उनका एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रिकॉर्ड कीपिंग, तो रिकॉर्ड कीपिंग में क्या होता है कि प्रोग्रेस नोट देखा जाता है, इट शुड रिफ्लेक्ट प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इन्फेंट एंड न्यू और
ongoing problems. ठीक है, problem list, a complete problem list is kept and in front of progress note. ठीक है, प्रोग्रेस नोट के इन फ्रंट में एक प्रॉब्लम लिस्ट भी रखी जाती है. दिस मस्ट बी केप्ट करंट एंड न्यू प्रॉब्लम लिस्टेड एंड रिजोल्व प्रॉब्लम फ्रॉम न्यूटन. ठीक है, द नंबर ऑफ प्रॉब्लम इन द प्रोग्रेस चार्ट शुड बी कंसिस्ट विद द प्रॉब्लम लिस्ट. ठीक है, ओनली एक्टिव प्रॉब्लम नीड टू डिस्कस. द प्रॉब्लम शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग एरियाज. तो प्रॉब्लम है वो फॉलोइंग एरिया से ली जा से कलेक्ट की जाती है, जैसे कि जनरल स्टेटस कैसा है, बेटर है, वर्स है या नो चेंज है. ठीक है, फिजिकल फाइंडिंग्स कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा है, वेट चेंज अप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट चेंजेस है वेट में, या कैलोरिक स्टेटस कैसा है, सोर्स कैसा है, प्लान ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है. उसके बाद में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या है, प्रेजेंट स्टेटस. ठीक है, पार्शियलिटी, फिजिकल फाइंडिंग, लेबोरेटरी फाइंडिंग या इन्फेक्शन. तो मतलब इन सब के हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है जब डॉक्टर का राउंड होता है उस समय. ठीक है, उसके बाद में इफ़ सस्पेक्टेड और प्रेजेंट पार्टिनेंट फाइंडिंग, कल्चरल रिजल्ट्स एंड प्लान ऑफ थेरेपी. एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज प्लान. ठीक है, उसके बाद में एपनिया. तो एपनिया की क्या कंडीशन है, नंबर है, सीवियरिटी ऑफ एपनिया क्या है, ब्रेडिकार्डिया क्या है. ठीक है, ट्रीटमेंट वेंटिलेशन पे है क्या, कैसे है, कैफीन या थियोफाइलिन लेवल क्या है. उसके बाद में कार्डियोवास्कुलर में क्या देखा जाता है, फिजिकल फाइंडिंग देखी जाती है, ब्लड प्रेशर, रिजल्ट ऑफ चेस्ट सच एज इको देख सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लान्स क्या चल रहे हैं वो देख सकते हैं. उसके बाद में फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में इनटेक एंड आउटपुट इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम एंड प्लान. उसके बाद में मेटाबॉलिक में ग्लूकोज, कैल्शियम, फॉस्फोरस बैलेंस देखा जाता है और एनी प्रॉब्लम देखी जाती है, असेसमेंट एंड प्लान. उसके बाद में न्यूरोलॉजिकल में प्रॉब्लम्स चेंज, मेडिटेशन प्लान या सीजर्स, मेडिकेशन, ब्लड लेवल या ECG रिजल्ट्स क्या हैं. तो ये सब क्या क्या है, क्या क्या इनके रिजल्ट्स हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है, वो सब देखा जाता है. और हीमेटोलॉजिकल में एनीमिया, कोआगुलोपैथी, न्यूट्रोपेनिया ये सब देखा जाता है. उसके बाद में ट्रांसफ्यूजन एंड प्लान. ठीक है, उसके बाद में हेपेटिक में क्या देखा जाएगा, और रिनल में रिनल प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी कोई हो तो, और आईज विद एग्जामिन्ड एंड रिजल्ट्स देखा जाएगा. उसके बाद में डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज में क्या होगा, समरीज, ट्रांसफ़र समरीज मस्ट बी डन प्रायर टू डिस्चार्ज पेशेंट. ठीक है, पहले से कहीं से डिस्चार्ज होके आया पेशेंट, तो उसकी समरी या ट्रांसफ़र समरी क्या है वो देखी जाती है.